लेब्राडोर इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे फेमस डॉग है। एकेसी ने इसे 1917 से रजिस्टर किया हुआ है। और जो लेब्राडोर डॉग है इसका इतिहास जुड़ा है वो जुड़ा है न्यूफिनलैंड नाम की जगह से जो कि कनाडा में है। न्यूफिनलैंड नाम का एक और डॉग है जिसको कि लेब्राडोर का एंसेस्टर माना जाता है। ये काफ़ी बड़ा डॉग होता है और इसे ही पूर्वज माना जाता है लेब्राडोर का, यानी कि लेब्राडोर इससे ही ओरिजिनेट हुआ है। न्यूफिनलैंड हो चाहे लेब्राडोर हो, ये दोनों डॉग्स वाटर डॉग की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों डॉग्स मछलियाँ पकड़ा करते थे आज से कुछ 100-150 साल पहले मछुआरों के साथ। लेब्राडोर के पीछे जो रिट्रीवर जुड़ा हुआ है उसका मतलब ही ये होता है कि ये शिकार को पकड़ के लेके आता था अपने मुँह में दबा के, इस वो रिट्रीवर कहलाता था, इसलिए वो रिट्रीवर है। लेब्राडोर की कुछ खास बातें हैं जो इसे और डॉग से अलग करती हैं और सही मायने में वर्ल्ड का नंबर वन डॉग बनाती हैं। जानते हैं उन बातों को एक एक करके। सबसे पहले तो ये कि ये डॉग्स तीन कलर में फाउंड होते हैं, वो तीन कलर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं और ये तीनों कलर्स आपको एक ही लेटर में भी मिल सकते हैं। सेकंड ये है कि ये डॉग्स की ऊंचाई कम होती है और इनकी लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब जो नाक से लेके पूंछ तक का हिस्सा होता है वो ज़्यादा लंबा होता है कंपेयर टू देयर हाइट। और इनका हेड काफ़ी ब्रॉड होता है और जबड़े बहुत मजबूत होते हैं जिनकी मदद से ये अपने वजन से आधे वजन के जीव को भी बड़े मज़े से मुंह में दबा के ले जा सकते हैं, इसीलिए ये रिट्रीवर डॉग्स हैं। और इनका मुंह भी काफ़ी सॉफ्ट होता है जिसकी वजह से ये शिकार को बिना अपने दांतों से नुकसान पहुंचाए आपके पास ला सकता है। इसके अलावा इनके लेग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं जिनकी मदद से ये पानी को चीर के आराम से आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आराम से तैर सकते हैं। साथ ही जैसा कि लेब्राडोर मैंने आपको बताया था एक वाटर डॉग है, इनके पंजे जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मतलब जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो इन्हें वेब्ड पॉज कहा जाता है। तो जैसे हम नाव को चप्पू की मदद से चलाते हैं तो इनके हाथ के जो ये पंजे होते हैं ये इनके चप्पू की तरह ही काम करते हैं और इन्हें तैरने में मदद करते हैं। बाकी इनकी पूंछ भी ऑटर की तरह होती है जो एक प्रोपेलर की तरह मतलब इधर उधर झूलती रहती है और इनको पानी में बैलेंस बनाने में बहुत मदद करती है। लेब्राडोर का कोट शॉर्ट होता है पर काफ़ी डेंस होता है और एक सॉफ्ट अंडरकोट भी होता है। जो इसका आउटर कोट होता है ये वेदर प्रूफ और वाटर प्रूफ होता है और ये पानी को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो ये इसको बारिश हो चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो हर एक मौसम में इसको सेफ रखता है हार्श वेदर से। जनरली डॉग्स एक साल तक पपीहुड में रहते हैं और उसके बाद वो मैच्योर होने लग जाते हैं, बट लेब्राडोर इज़ दी ओनली डॉग इन दिस वर्ल्ड की जो तीन साल तक पपीहुड के ट्रेट्स के साथ ही रहता है और इसी वजह से इसे बेस्ट फैमिली डॉग माना जाता है। और फैमिली के लिए हो चाहे हंटर्स के लिए हो या पुलिस के लिए हो, ये सब के लिए एक आइडियल डॉग है। अमेरिका में पिछले 27 सालों से ये डॉग नंबर वन स्पॉट पे रहा है और मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया में भी ऐसे सर्वेज होते तो लेब्राडोर इंडिया में भी कम से कम पिछले 2 दशकों से नंबर वन पर बना रहता। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे सबसे ज़्यादा लेब्राडोर्स पाए जाते हैं तो वो इंडिया में पाए जाते हैं, ये इंडिया का एक नेटिव डॉग की तरह अब हो चुका है और अदर फॉरेन ब्रीड्स के कंपेयर में ये काफ़ी हेल्दी माना जाता है। लेब्राडोर किड्स के साथ भी सेफ़ हैं और फैमिली के साथ भी सेफ़ हैं। और मेरा तो ये ओपिनियन है कि अगर किसी फैमिली को पहला डॉग कोई अडॉप्ट करना चाहिए तो वो सिर्फ लेब्राडोर करना चाहिए क्योंकि उन्हें संभालना सबसे आसान है। तो अगर आपने मन बना लिया है लेब्राडोर को अडॉप्ट करने का तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि लेब्राडोर के पपीज़ अवेलेबल हैं। और अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं, स्पेशली कुमाऊँ और हल्द्वानी में रहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी लाइफ का पहला डॉग कौन सा था। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।